देख सही कितना सुंदर फोन कवर है ना। आप हुई इतनी प्यारी। अमे ये सही का कवर देखना कितना गंदा है। हाँ। इसको भी नया कवर लाके देना। नहीं नहीं मेरा कवर बहुत अच्छा है। नहीं थैंक यू। बार बार फोन आ रहा है, अगर इम्पोर्टेंट है तो उठा लो ना। वो बॉस का फोन है एक्चुअली। एक्सक्यूज मी। जी सर। देखा सही कितना ख्याल रखता है मेरा। रोमांटिक गिफ्ट तो कोई भी दे सकता है, लेकिन ऐसे पर्सनल टच के साथ वो तो सिर्फ मेरा हमें ही कर सकता है। एकदम जेंटलमैन है। बुआ जी, हमें आपसे एज में छोटे हैं ना। हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सब बोलते हैं ना कि आपकी दो बार शादी, दो बार डिवोर्स हो चुका है और आपके बॉयफ्रेंड आपसे एज में छोटे हैं। कम ऑन सही, अब तू भी बाकी घर वालों की तरह मुझे जज कर रही है ना। नहीं बुआ जी, मैं कौन होती आपको जज करने वाली। बुआ जी मैं तो बस ये जानना चाहती थी हमें आपको लेके सीरियस है भी या नहीं। बस पता है सही, आज तक मैंने जितने भी लड़कों को डेट किया है ना, वो सब मेरी दो शादी की बात सुन के ना मुझसे पीछे हटने लग जाते। लेकिन ये हमें हमें ऐसा नहीं है, बहुत ख्याल रखता है मेरा, मेरा दर्द समझता है। पता है क्या कहता है, ये जिंदगी की किताब में ना कोई भी पन्ना आखिरी पन्ना नहीं होता, आप किसी भी पन्ने से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, है ना प्यारी बात। लेकिन मैं क्या करूं सही, मेरी तो हर कहानी दुख भरे अंत पर ही खत्म हुई है ना। इसलिए अब मैं कोई नई कहानी लिखना ही नहीं चाहती हूँ। दो शादियों के बाद ना, ना तो मैं अब अपनी किस्मत पर भरोसा करती हूँ और ना ही लोगों पर। इसलिए ना मैं सिर्फ बॉयफ्रेंड बनाती हूँ, ये पति वगैरह ना ना ना। बुआ जी अगर आप अमय के बारे में सीरियस है तो आपको उनसे शादी के बारे में बात करनी चाहिए। ये देखो जिस लड़की की खुद की शादी जबरदस्ती हुई है और जो खुद सारा टाइम अपने पति को छोड़ने की बात करती है, वो मुझे शादी करने की सलाह दे रही है। वाह। बुआ जी मेरी बात अलग है, मेरी बात छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपने दिल से पूछिए। मेरे दिल की बात मुझे पता है सही, और अमे के दिल की बात। बुआ जी आपको अमे के दिल की बात भी जाननी चाहिए, आप एक बार उनसे भी पता कर लो कि वो क्या चाहते हैं। अरे मैं एक मिनट के लिए क्या चला गया, तुम तो इतने सीरियस हो गए, सब ठीक ना? हाँ वो एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि हम लोगों को तो डेट करते हुए बहुत टाइम हो गया है ना, मतलब वो तो मतलब दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का टाइम आ गया है। दीदी मैं कब से तैयार हूँ सच में। और क्या, मैंने तुम्हें इतने हिंट दिए लेकिन तुमने कहा बेबी लेट्स टेक इट स्लो, सो आई वाज लाइक कि ठीक है जैसा तुम्हारा मन करे। मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था कि तुम मुझे कब बोलोगी ये सब। तो तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? झूठ में कौन शादी करते हैं। नहीं मेरा मतलब है कि तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे तो दो दो डिवोर्स हुए हुए हैं। तुम्हारे दो डिवोर्स इसलिए हुए हैं क्योंकि 3 मेरा लकी नंबर है राइट। मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगा और तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहुत खुश हूँ। अमय जी आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है, आई बाबा बड़ी बहन है जो बॉम्बे में मैरिड है और मैं सच बताऊं तो मैं एक आजाद पंछी की तरह रहना चाहता था, लेकिन मैंने जब से शिवानी को देखा है मैंने अपना इरादा बदल लिया। मैं अब इसके प्यार के पिंजरे में ही कैद होना चाहता हूँ, वो भी जिंदगी भर के लिए। अरे मैंने बातों बातों में तुम्हें सरप्राइज दिखाना ही भूल दिया। एक और सरप्राइज? हाँ आना सही, कहाँ जाएंगे बताते क्यों नहीं होगी क्या सरप्राइज है? रुकोगे? ये देखो इधर आओ। ए और एस, मतलब हमें और शिवानी। कोर्स, और कौन होगा? थैंक यू, यू आर द बेस्ट। अरे लेकिन बेबी इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत क्यों नहीं थी, ये गाड़ी तुम्हारी वजह से आई है, तुम्हारा नाम होना भी तो इम्पोर्टेंट था। लेकिन फिर भी मैंने तो सिर्फ डाउन पेमेंट किया है ना, ईएमआई तो तुम खुद भरते हो।
मुझे ये सब कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा? पापा, शिवानी बुआ की खुशियों को नजर मत लगने देना। अच्छा हुआ मैं 7 बजे से पहले पहुंच गई। ओ, तो आ गई हमारी डॉक्टर सई। अब हाथ कैसा है तुम्हारा? मेरा हाथ तो ठीक है, लेकिन आपको मेरे हाथ की इतनी चिंता क्यों हो रही है बाकी दीदी? मुझे तुम्हारी हाथ की चिंता नहीं, बल्कि इस बात की चिंता है कि तुम अपने इस हाथ में चोट होने का बहाना ना मार दो और मुझे तुम्हारे हिस्से का काम भी करना पड़े। सिर्फ काम की बात है, काम की बात है तो अपने काम के साथ साथ मैं आपका भी काम कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, आपकी तरह ताने नहीं मार सकती, क्योंकि ताने मारने में तो आप ही एक्सपर्ट है ना। सही, किससे बात कर रही है तुम? दिखाई नहीं देता? ये तेरी बड़ी भाभी है? मुझे तो सब दिखाई दे रहा है काकू, लेकिन क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि पाकी दीदी कब से मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है? मुझे कड़वी बातें और ताने मार रही है, वो आपको नहीं दिखाई देता? नहीं, और दिखाई देगा भी नहीं, क्योंकि पत्र लिखा कभी गलत नहीं हो सकती। ये तो मेरी चहेती बहू है, और तू तो मेरी बहू है ही नहीं। तो काकू, जब मैं आपकी बहू हूं ही नहीं, तो आप अपने बहुओं वाले काम मुझसे क्यों करवाती है? सही, अगर तुम इस घर की बहू नहीं हो, इस घर के कामकाज की जिम्मेदारियां तुम्हें नहीं निभानी, तो फिर तुम इस घर के बेटे विराट के साथ किस हक से रह रही हो? बाकी दीदी, आप पहले आराम से सोच के मुझे ये बताइए कि आपको परेशानी किस बात से? मैं इस घर के कामों में हाथ नहीं बटाती उस बात से कि मैं विराट सर के साथ रहती हूँ, इस बात से? आराम से सोचिए। सही, चल बेटा, कॉलेज से आई हो ना, थक गई होगी। ये बिना मतलब के झगड़े और बहस में ना वक्त जाया नहीं करते। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। वो आई? हाँ हाँ हाँ, चल चल। सही, ओ सही भाई, खाना गर्मा गर्म खाना है तुम्हारे लिए, चलो आ जाओ फटाफट खा लो। लेकिन खाना खाने से पहले सही अपने आई को उसका कॉलेज का पहला दिन कैसा गया ये बताएगी। प्लीज बताओ ना, मुझे सब सुनना है। कॉलेज ठीक गया? ठीक गया ना? सही, हाथों की जलन की वजह से तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई? हाथों की जलन की वजह से थोड़ी तकलीफ तो हुई आई, लेकिन इससे ज्यादा तकलीफ तो मुझे तो घर वालों के बर्ताव से हुई। छोड़ो ना, तुम ध्यान मत देना उन बातों पर, चलो उठो उठो उठो, खाना खाएंगे। एक बात बताओ सही, इस घर के लोग अभी तक तुम्हें समझ नहीं पाए हैं, लेकिन बड़ा, तुम्हारा पति तो तुम्हें समझ लेता है ना? हाँ, वो तो समझते हैं, लेकिन वो भी ना कभी कभी। अब आज की बात देख लो, कितना कुछ हो गया, और ऊपर से विराट सर मुझे ही समझा रहे हैं कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी बैलेंस करना होगा। तो सही तो कहा विराट ने, देखो एक तरफ तुम्हारी पढ़ाई है और एक तरफ घर वालों के झगड़े वगड़े, अब इन झगड़ों का असर तुम्हारी पढ़ाई पर पड़ सकता है, इसलिए तुम्हें ही दोनों का संतुलन बनाए रखना है और आगे बढ़ना है।
हाँ अब देखिए ना, आपने कितने अच्छे से समझाया, लेकिन विराट सर वो तो बस डांटते ही रहते हैं। विराट ने तुम्हें डांटा? मैं विराट को डांटूंगी। ओ मिस्टर विराट निनाद चव्हाण, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहू को डांटने की? अरे वो तुम्हारी बीवी है तो क्या हुआ? सबसे पहले वो मेरी बहू है, इसलिए मैं इतना नहीं डांटते और हमेशा भी नहीं डांटते। पहले बता दिया होता तो मैंने खामखा डांट दिया मेरे बेटे को। क्या आप भी चलो अभी खाना खाते चलो। सही, तुम्हारे हाथों में तकलीफ हो रही है ना, चलो मैं खिलाती हूँ। एक मिनट आई, मैं आपको दिखाती हूँ। अब क्या? अरे रुकिए ना, ये देखिए। ये क्या है? ये ना शिवानी बुआ ने मुझे दिया, इनको पहनने से ना दर्द कम हो जाता है, तो मैं ये पहन कर चम्मच से खाना खा लूंगी, लेकिन अभी ना मुझे भूख नहीं आई। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? सही देखो, सुबह से तुम कॉलेज में थी, वहाँ ना तुमने कुछ खाया ना पिया, अब आकर ये कह रही हो कि मुझे भूख नहीं है, ऐसे कैसे? अरे मैं खाऊंगी ना, लेकिन थोड़ी देर से खा लूंगी। अब वैसे भी विराट सर के आने का टाइम हो ही गया है, वो आ जाएंगे तो खा लेंगे, अभी ना मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अब समझी, अब मन के आगे तो किसी की चलती नहीं है, इसीलिए मैं तो चली। जब तुम्हारा मन आ जाए, मेरा मतलब है जब तुम्हारा मन चाहेगा तो खा लेना, ठीक है? चलो बाय। सही, जल्दी से मेरे कमरे में आ। क्यों, क्या हुआ? अरे तू आ तो बताती हूँ। हाँ आ रही हूँ। भैया जी, सर। जैन सर। जैन, विराट एक अर्जेंट रेड करनी। अर्जेंट रेड कहाँ सर? मेरे घर पर। क्या? यंग मैन, मेरे घर पर एक पार्टी है, उसी के लिए बुला रहा हूँ। सर मैं तो सीरियस हो गया था। सीरियस तो तुम हमेशा ही रहते हो, कभी कभी एंजॉय भी किया करो। कम ज्वाइन अस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग सर, लेकिन मेरा आना मुश्किल है सर। आज रात मुझे डिनर घर पे करना है अपनी वाइफ के साथ, उसे मैंने प्रॉमिस किया था, तो आई एम रियली वेरी सॉरी सर। नहीं नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, होम मिनिस्टर के आगे किसी की भी नहीं चलती। एंजॉय यंग मैन, ये वक्त बार बार नहीं आता जिंदगी में। जी थैंक यू। जल्दी आ, जल्दी जल्दी। क्या हुआ बुआ जी? कोई है तो नहीं बाहर? हाँ जल्दी आ, चल। क्या? आना इधर बैठ। अरे बैठ ना, आपने इतना जल्दी जल्दी क्यों बुलाया? जल्दी आएगी नहीं तो जल्दी खाएगी कैसे? पेस्ट्रीज। वाओ पेस्ट्रीज, स्पेशली मेरे लिए? क्यों? स्पेशल लोगों के लिए सिर्फ स्पेशल चीजें आती हैं, और तू तो मेरे लिए सबसे स्पेशल है। आज मेरी जिंदगी में जो ये नया मोड़ आया ना, ये नई खुशियां, ये सब तेरी वजह से है। इसीलिए तो मैं तुझे चुपचाप से लेके आई हूँ, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं नहीं चाहती कि अम्मा के बारे में किसी को भी पता चले, तू समझ सकती है ना? हाँ मैं समझ सकती हूँ। खाना? थैंक यू सही। क्या बोली? पेस्ट्री भी आप खिला रही हो, थैंक यू भी आप बोल रही हो, ऐसे थोड़ी होता है। थैंक यू। मस्त है, मस्त मस्त। सही, अगर तुमने मुझे हिम्मत नहीं दी होती ना, तो मैं तो अमेर से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। बुआ जी आप इतनी ही प्यारी हैं, आप दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करती हैं। पता है बुआ जी, पतझड़ में पेड़ सूख जाता है ना, तो उस पेड़ को ना काटते नहीं, बाहर आने का इंतजार करते हैं, और आपका वो इंतजार ना पूरा हो गया है। अब मैं आपकी जिंदगी में बहार बनकर आए। सही,
एक बस तू ही तो है जो चाहती है कि मैं शादी कर लूं, वरना वो भवानी वहिनी और नीना दादा इस घर के कर्ता धर्ता, उनका तो ये मानना है कि मुझे शादी का सपना भी नहीं देखना चाहिए। बुआ जी, जब सपने आपके तो उससे जुड़े हुए फैसले भी आपके होने चाहिए, और इस घर में अगर आपके सपने और खुशियों के बीच में कोई भी आएगा ना, तो मैं खड़ी हूँ आपके साथ। मैं भी देखती हूँ कोई आपकी शादी कैसे नहीं होने देता है। अरे बस बस बस, शान गदाधारी भीम, शान। थैंक यू साई, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। अरे अरे, वो भी अमेय को, वो आपका कितना ख्याल रखते हैं और जिस तरीके से वो आपके साथ बिहेव करते हैं, आपको कितना स्पेशल फील कराते हैं, ये देखकर मुझे तो बड़ी खुशी हुई। आई एम श्योर वो आपको बहुत खुश रखेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे। केयरिंग तो हमें बहुत है, पर ऐसे ही मैंने तो सोचा नहीं था। जस्ट बिकॉज मैंने अमेय की कार की डाउन पेमेंट कर दी और शुरुआत की थोड़ी सी EMIs भर दी, तो अमेय मुझे इतना स्पेशल ट्रीट कराने लग गया। EMI? बुआ जी, आपने तो कार की डाउन पेमेंट की थी ना, अब EMI भी आप दे रहे हैं। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है। अरे अगर मैं उसकी एक दो जरूरतों को पूरी कर भी देती हूँ तो बड़ी बात कौन सी है। अरे जैसे अभी लास्ट मंथ ना उसका मोबाइल खराब हो गया था, तो मैंने तो उसको न्यू मोबाइल गिफ्ट कर दिया। पिक्चर्स तो अच्छी आएंगी ना, मैंने इतना अच्छा फोन जो गिफ्ट करा था। बुआ जी, हाँ? आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? कुछ मैं अपने पैसों से भी तो गाड़ी खरीद सकते थे, या फिर आप शादी के बाद उन्हें गाड़ी गिफ्ट कर सकते थे। ऐसे डाउन पेमेंट देना, EMI देना ठीक है क्या? सही मेरी जान, मैं ना शादी से पहले अमेय के साथ घूमना चाहती हूँ, फिरना चाहती हूँ, क्योंकि बाद में तो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां आ जाएंगी। अब तू ही बता, इस गाड़ी में अमेय और किसको घुमाएगा, बता? आपको, है ना? मुझे भी और साथ में तुझे भी। अमेय ना बहुत अच्छा लड़का है, मुझे बहुत प्यार करता है। आई फील सो लकी। हाय, अब बस जल्दी से हमारी शादी हो जाए और 5-6 छोटे छोटे बच्चे हो जाए। बुआ जी, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहिएगा, बहुत प्यारी लगती है। शिवानी, शिवानी कुठे है? बाहर निकल। शिवानी, बाहर ने कुठे है तू? हमारी बहन का नाम इतनी बेइज्जती से क्यों ले रहे हो? जिसके कारनामे बदतमीजे वाले होते हैं उसका नाम भी बदतमीजे से लिया जाता है। हमारे कहने का मतलब क्या है? ये हम उस हलकट शिवानी को ही बताएंगे। मस्त मस्त, हमारे घर में खड़ी होकर हमसे बहस कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? आप लोगों को हमारा ऐसे घर में घुसना अच्छा नहीं लग रहा, और वो आपकी शिवानी जो जो मेरा घर तोड़ रही है, उसका क्या, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के साथ चक्कर चलाने की? अरे आप लोगों को कुछ खबर भी है? आपके घर की औरत मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है, पूरे शहर में उसके साथ घूमती रहती है, कभी फिल्म देखने, कभी होटल में खाना खाने, कभी कॉफी पीने। देखिए आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, शिवानी मौसी तो मैंने तो पत्र लिखा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो सामने वालों से बहस नहीं करते। शिवानी का कोई भरोसा नहीं है, वो शादी करने के लिए इतनी उतावली हो गई है कि अब शायद दूसरों के घर तोड़ने शुरू कर दी है उसने। दो बार डिवोर्स होने के बाद दो दो अफेयर्स हो चुके हैं शिवानी के, तो ये तीसरा हो सकता है। मुझे शिवानी से बात करनी है, आप लोगों से बाहर बुलाइए, जल्दी बुलाइए।
भवानी जी, आपको कौन नहीं जानता? आप चौहान खानदान की बड़ी हैं। आपके स्वर्गीय पति नागेश चौहान की आज भी इस शहर में बड़ी इज्जत है, और उसी खानदान की औरत एक दौकड़ी का काम कर रही है, इतने महान इंसान का नाम खराब कर रही है, और आप उसे कुछ भी नहीं बोल रहे। कोई शर्म हया है कि नहीं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।